पेड़ होके जाता है जो आप लोग प्राइवेट में भेजते हो बच्चे पढ़ने के लिए, उससे ज़्यादा यहाँ पे अब सिखाया जा रहा है। और जो बच्चा यहाँ से कुछ सीख आएगा उसको आगे हमारे पढ़ाने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। और यहाँ सरकारी स्कूल में लेडीज स्टाफ भी आ गया, कुछ दिक्कत ये भी आती है कि छोटे बच्चों को लेडीज़ अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं, तो हमारे पास अब लेडीज़ मैडम भी आ गई है मतलब के टीचर JBT में। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करो कि आपके जो बच्चे हैं छोटे सारे यहीं पर दाखिल करवाएँ, प्राइवेट स्कूलों की तरफ ना भागें। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो हमारे बच्चे यहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, आपके अगर कोई बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े तो उनका ला के हमारे बच्चों के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन भी कराओ। उनके पेशा जो बेसिक चीज़ें हमारे बच्चों की ज़्यादा क्लियर है, वहाँ पे केवल एक यानी कि रट्टा फिकेशन है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। दिखावा प्राइवेट स्कूलों का ज़्यादा है और यानी कि बेसिक जो बच्चों को सिखाई जाती है वो सरकारी स्कूलों में कराई जाती है, इसलिए वहाँ पर आपकी फीस भी जा रही है, पैसा भी वेस्ट हो रहा है, वो बच्चों का वो फ्यूचर भी नहीं बन पा रहा। तो आप एक बार जो आपके बच्चे वहाँ जाते तो आप एक बार यहाँ लाओ, यहाँ पे सरकार बड़ी सुविधाएं भी दे रही है, फ्री बच्चों को दे रही है, स्टाइफंड के रूप में उनको दे रही है, किताबें बच्चों को फ्री मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। और जो बच्चे अगर आपका प्राइवेट में जाने का जिसका है भी, सरकार ने एक स्कीम और चला रखी है यानी जैसे चिराग योजना और कोई स्कीम है जिसकी यानी कि फैमिली ID 1,80,000 रुपये से कम है इनकम, उनके लिए सरकार ने स्कीम भी चला रखी है कि उनका ड्रा सिस्टम निकाला जाएगा। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें से जिसका नाम उस ड्रा में आ जाएगा उनका प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होगा उसी का ड्रा में नंबर आएगा, उसका जिसका ड्रा में नंबर आ जाता है जिस स्कूल में प्राइवेट में नंबर आ जाएगा, तो 12वीं तक आपको वहाँ पर कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा पढ़ेगा। मान देते हो क्या काम मिला क्या नहीं मिला, मिलता है तो आप साथ में बैठ के करवाते हो। अगर इसकी अपेक्षा आप थोड़ा सा ध्यान सरकारी स्कूल में जो बच्चे आते हैं आपके जाके पूछो आप बच्चों से आपको काम मिला है कि नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो आप टीचर से आके पूछ सकते हो भी क्यों नहीं मिला काम, अगर मिला है तो आप उनको साथ में बैठ के बैठा के उनको काम कराओगे तो आपके बच्चे इनके प्राइवेट स्कूल से तो कहीं ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। आप लोग इनके बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इनका पूछते नहीं आपको क्या करवाया है क्या नहीं करवाया, काम मिला है नहीं मिला है, तो ऐसे ही फिर वो बच्चे लापर जब बच्चे नहीं करके आएंगे तो टीचर ही बार बार प्रयास तो करते हैं, टीचर का काम तो फिर काम करवा देना, जब करके नहीं आएगा तो ज़्यादा करके एक दो बार पिटाई कर देंगे समझा देंगे, नहीं करेगा तो फिर टीचर तो आगे आगे चलते जाएगा। फिर इस पर इन चीज़ों का भी आप लोगों ने ध्यान रखना। मातृ गाँव में आए हुई मेरे गाँव के सभी को मेरा नमस्कार। मैं हमेशा ये देखता रहता था कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं और सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं छोटे उनके बीच में एक गैप रहता था, और अक्सर मैं बात भी करता था कि इस गैप को भरा जाना ज़रूरी है। सरकार ने जो ये मुहिम चलाई है बाल वाटिका की और बाल वाटिका से पहले की छोटे बच्चों को स्कूल तक लाने की, ये बहुत अच्छी लगी है। वास्तव में ये एक ऐसा प्रयास है जिससे बच्चा एक माँ की गोदी से उतर के जब स्कूल में जाता था तो बच्चे को थोड़ा डर महसूस होता था कि मैं कहाँ पे आ गया, या मेरी माँ दिखाई नहीं दे रही, मेरा घर दिखाई नहीं दे रहा, मेरा भाई दिखाई, तो बच्चा डरा डरा रहता था, रोता भी था, और उसकी आदतें ऐसी नहीं थी कि वो अकेला बैठ सके। अब जो ये आंगनबाड़ी के अंदर ये जो मुहिम है छोटे बच्चों की 2.5-3, 3.5-4 साल का बच्चा यहाँ पे आया हुआ तो यहाँ पे मौत का माहौल भी दिखाई दे रहा है उसको, और जो खिलौनों से भरा हुआ एक कमरा है आसपास उसके छोटे बच्चे हैं, तो इससे बच्चा खुश होके आता है। और धीरे धीरे जब यहाँ पे कुछ दिनों आना शुरू हो जाता है, देखता है अपने घर की चीज़ों से या सिमिलर चीज़ें देखता है तो उसको खुशी भी होती है और उसकी आदत भी बन जाती है विद्यालय की तरफ आने की, और यहाँ पे कुछ ना कुछ सीख के भी जाता है, क्योंकि घर में तो हमारे माहौल दूसरा होता है, माँ काम कर रहे होते हैं, बच्चा उसके आसपास कई बार दुर्घटना होने का भी भय रहता है, लेकिन यहाँ पे बच्चा सेफ है, जो भी करेगा कुछ ना कुछ तोड़ेगा तब भी सीखेगा, नहीं तोड़ेगा तब भी फेंकेगा तब भी उसको कुछ ना कुछ बताया जाएगा कि इस तरह से फेंकना है, इसको इस चीज को इस तरह से पकड़ना है, तो बच्चा यहाँ पे आएगा तो कुछ सीखेगा। एक पुरानी कहावत थी कि बिना सीखे अगर हम किसी को बंदूक देंगे तो या तो गोली अगले को मारेगा या खुद के मारेगा,
बॉर्डर पे बिना ट्रेनिंग दे सैनिक को भेजेंगे तो नुकसान करेगा। अब बच्चा हमारे पास आएगा आंगनबाड़ी से सीख के, उसको पता है ये माँ भाई छोटे छोटे खिलौने के बारे में उसे बहुत सी जानकारी है जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। बच्चे को नहीं पता है कि ये सिलेबस क्या चीज है, लेकिन हमें पता है कि बच्चा बहुत सी चीजें वो जान गया जो हमने पहले क्लास में सिखानी थी उससे पहले यहाँ पे वो बच्चा सीख गया है। और परिवार की भी जिम्मेवारी में थोड़ा फर्क पड़ा है कि जैसे किसी के घर में माए काम करने के लिए जाती है, अगर थोड़ा बच्चा 2 घंटे 4 घंटे उससे दूर होके और एक अच्छी शिक्षा लेके एक स्कूल के वातावरण में डलता है तो माँ का बोझ भी थोड़ा कम होता है, वो अपना घर का काम भी कर पाती है और उसे ये भी खुशी होती है कि मेरे बच्चे ने कुछ तो सीखा है। ऐसा ना हो कि गरीबी की वजह से हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाने वाले बच्चों से पिछड़ जाए। अब इस मुहिम के चलने से इसका हमारा बहुत सा फायदा होगा, माए थोड़ा बच्चे को दूर भी कर पाएंगे धीरे धीरे, पहले 6 महीने में मान ले 1 घंटा 2 घंटा किया, अगले साल में 4 घंटे, मतलब 2 साल में 1.5 साल में बच्चा पूरा घर से स्कूल के माहौल में ढल जाता है। और जब बच्चा 5.5 साल के लगभग का हो जाता है तब पहली क्लास में आ जाता है। अब हमारे को दिक्कत क्या है कि बच्चा पहली में आ गया, बच्चे को ये नहीं पता है मैं कौन हूँ मेरा नाम क्या है, उसको NRABC बच्चे को NRABCD गिनती आती है तो जो हम सिखाते हैं उसमें वही 3 साल लग रही है, फिर तीसरी में जाके बच्चा पहली का काम सीखना शुरू करता है। परिवार वाले बोलते हैं कि बच्चा तीसरी में हो गया इसको आता तो कुछ नहीं, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि बच्चे को टाइम तो उतना ही लगना है, ना तो आपने घर में लगाया ना कहीं स्कूल से बाहर लगाया, पहली में सीधा बच्चा दाखिल हो गया तो पहली में कैसे सीखे गए उसको, तो माँ का माहौल ही अभी बड़ी मुश्किल से छूटा है उसका, तो ये दिक्कत रहती थी। अब जैसे आंगनवाड़ी में बच्चा आया है माँ के घर के माहौल से थोड़ा धीरे धीरे दूर हुआ है, सीखा है, खुला है, उसने बच्चे में कॉन्फिडेंस आया और वो पहली के जो सिलेबस है उसके बच्चे आएंगे, ये बच्चे आगे हमारे इन बच्चों से बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगे। हम भी मेहनत करेंगे, लेकिन मेहनत करने का भी एक तरीका होता है। अगर किसी बच्चे को मान लिया 0 पे खड़ा हम उसको 100 के बारे में बता रहे हैं वो तो सही नहीं है, धीरे धीरे एक लाइन होती स्टेप बाय स्टेप, कोई सीधा छत पे नहीं चढ़ जाता, सीढ़ियों से छत पे जाते हैं, हम सीढ़ियां बनानी पड़ती है, ये सीढ़ियां हैं और ये शुरुआत की सीढ़ी बहुत अच्छी है, इसका बहुत फायदा होगा हमारे गरीब तबके गाँव के जो कामगार महिलाएं हैं या कोई भी है जो भी इसमें इच्छुक है, प्राइवेट स्कूलों के जो फीस का जाल है उससे निकल के हम देखेंगे तो ये हमारे बहुत फायदेमंद होंगे। मैं तो आपको यही आश्वासन दूंगा और आपसे प्रार्थना भी करूंगा कि आप अपने पड़ोस के बच्चों को यहाँ पे छोड़िए, आंगनबाड़ी का माहौल बहुत बढ़िया है, विद्यालय के अनुकूल है, सारी सुविधा है और धीरे धीरे बच्चा यहाँ पे एक बार आना शुरू हो गया ना तो स्कूल का पूरा उसका सिस्टम सही बन जाएगा। मैं दोबारा आपसे हाथ जोड़ के हलवा पूरी खाओ ना, तुम कुर्सी पर बैठो ना, गोदी वाली इधर की रानी है जी, उसका पानी है, आग लगाओ रजाई बाहर निकालो मर जाएगी। पापा ट्रिसंगल ना पापा डार्लिंग मैं ना पापा ओपनिंग माता हाँ जैसे प्ले स्कूल के द्वारा बच्चे यहाँ से तैयार होकर जाते हैं, पहले की अपेक्षा आंगनवाड़ी में जिस तरह से बच्चे फर्स्ट क्लास में जा रहे थे उसकी अपेक्षा आप कितना नियंत्रण है, आप इसके बारे में क्या कहोगे? जैसा कि मैडम ने अभी बताया था कि यहाँ पे सरकार की पहल, सरकार ने प्ले स्कूल खोल दिया आंगनवाड़ी को और उसमें से बच्चे अभी इनके बड़े अच्छे ढंग से प्रिपेयर होके हमारे पास आ रहे हैं। हमारे पास बाल बाट का 3 का एडमिशन हमारे पास हो रहा है जो इनके 4.5 साल या 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं और उसके बाद फर्स्ट का, तो अब यानी कि हमें बच्चे काफ़ी प्रिपेयर यहाँ से मेच्योर होके आते मिलते हैं और ताकि हमें आगे पढ़ाने में काफ़ी सुविधा होती है। पहले क्या होता था कि बच्चे यानी कि इतने प्रिपेयर नहीं होके आते थे आंगनवाड़ी में, बच्चों बैठना उठना तो सीखते थे मगर जिस तरीके से जो है कि इनके प्री नर्सरी जैसे अदर स्कूल्स में यानी कि प्राइवेट स्कूलों में LKG UKG नर्सरी करके जो बच्चे आते थे फर्स्ट क्लास में, वहाँ पे उन बच्चों का सरकारी स्कूल के बच्चों के लेवल में थोड़ा सा अंतर रह जाता था। अब जैसे ही सरकार ने ये पहल की है प्ले स्कूल वाली तो उससे यानी कि बच्चे यानी कि काफ़ी अच्छे से अब आंगनवाड़ी में पढ़ के जो बच्चे हमारे पास आएंगे तो हमें भी बड़ी सुविधा हो रही है बच्चों के आगे काम कराने में। सरकार के द्वारा ये बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए ये मुहिम चलाई गई है, उसके बारे में आप कैसे देखते हो बच्चों को जैसे आपकी क्लास में जाते हैं तो मतलब
कैसा लगता है आपको उनकी मानसिक स्थिति को देखकर? देखो जो बच्चे अब नए निकल के आ रहे हैं पिछले साल से, जो बाल वाटिका से पहली क्लास में जो बच्चे हैं, पहले की अपेक्षा उसमें काफ़ी बौद्धिक विकास है बच्चों में, क्योंकि पहले इस तरीके का करिकुलम या बच्चों के पास ऐसा था नहीं। क्योंकि अब जो बच्चे हम स्टार्टिंग से शुरू करते थे उनको बच्चों को बेस बनाने के लिए, अब वो बेस उनका ये आंगनवाड़ी से प्ले स्कूल से बन के हमारे पास आ रहा, तो हमें बड़ी आसानी हो रही है आगे बच्चों को पढ़ाने में। खेल खेल में हम, और ये बच्चे रेल वगैरह बनाते हैं खिलौनों से, रेल वगैरह बनाते हैं, जो भी कुछ जैसे हाउस भी बनाते हैं, जैसे उनका जैसे उनका माइंड क्रिएट होता है उसकी वजह से बनाते हैं ये। बाकी ये है जो कलर वगैरह पहचान, ये इसकी रेलगाड़ी लंबी एक साथ जोड़ ज्वाइंट करके बनाते हैं बच्चे यहाँ पर, उनकी बौद्धिक विकास होता है जिनसे, और अपनी छोटी उंगलियों की मांसपेशियां उनकी जो होती है वो मजबूत होती है। और ये है जैसे बच्चों को पहचान कराने की भी, ये क्या है, इसमें क्या बनता है, घर में भी ऐसी चीजें होती हैं। ये है लेटर अल्फाबेट सिखाने के लिए, ये मारवी अल्फाबेट, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। और ये है जो चुप चुप, ये हमारे स्कूल में प्ले स्कूल में 3 से 4 और 4 से 5 साल के बच्चों के लिए बुक्स हैं, जिसमें बच्चों ने काम किया हुआ है पिछले सेशन में, तो आप जो भी उनकी माताएं आई हुई है, ये देखो कलर्स करे हुए हैं, फिंगरप्रिंट्स करे हुए हैं। ये बच्चों ने कलर्स किए हुए हैं, इनसे बच्चों को, और ये हमने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, ये रिपोर्ट कार्ड बच्चों के तैयार किए हुए हैं, जो बच्चे हमारे पास आंगनवाड़ी सेंटर में हैं उनके बच्चों के रिपोर्ट कार्ड तैयार किए हुए हैं 3 से 4 और 4 से 5 साल तक के बच्चों के लिए। और ये है अनाज जैसे अक्षरों की पहचान करवाने के लिए बच्चों को भी, ये किस चीज से, इस लेटर से क्या बनता है, बच्चों को पहचान करवाने के लिए है। और ये जो बुक्स है इनकी वजह इनसे कहानियां समझाने की है बच्चों को, जो अपने पारिवारिक जीवन में कहानियां, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा, कहानियों के द्वारा शिक्षा दी जाती है बुक्स के बारे में, बुक्स से। और ये प्री स्कूल किट है, जैसे स्लेटे में बच्चों को चौक पकड़ा कर, जैसे छोटी मांसपेशियों की स्लेटों पे, ये बच्चों के लिए कलर्स वगैरह है, ये चौक है जो स्लेटों पे लिखते हैं, ये कलर्स बुक्स में। और ये बच्चों ने देखो खुद बनाई है, रंगोली बनाई है बच्चों ने, और ये बच्चों ने लेटी हुई लाइन बनाई है बच्चों ने। और ये बच्चों ने देखो ड्राइंग की हुई है, कागज की बॉल बनाकर चिपका रखी है बच्चों द्वारा, ये सारी एक्टिविटी करवा रखी है बच्चों द्वारा, ये बच्चों ने बनाई हुई है। करते हैं हम इससे बच्चों की आंगनवाड़ी सेंटर में, जिससे आपके बच्चों को अपनी ग्रोथ का पता चलता है, लंबाई का पता चलता है, ऊंचाई का पता चलता है। इस पर ये है छोटे बच्चों का, ये छोटे बच्चों के लिए इन्फेंटोमीटर, जो 1 से 2 साल का बच्चा होता है, हम इस पर इसकी मतलब हाइट मापते हैं और आपको बताया जाता है। और ये खेल का सामान है, जो बच्चे एक्टिविटी करते हैं, बच्चे खेलते हैं, ये बॉल है बच्चों के जैसे आउटडोर गेम के लिए, बाहर खेलने के लिए। शायद आज से प्री स्कूल मतलब 2022 से शुरू है, लेकिन आज से क्लासेस शुरू हैं, तो आप से यही निवेदन है कि आप जितना हो सके जिनके घरों में 3 से 5 साल तक के बच्चे हैं वो जरूर आंगनवाड़ी सेंटर में भेजें। आपको बनाने का यही मोटिव है हमारा, सरपंच साहिबा की मौजूदगी में आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्राइवेट स्कूलों में जाने की बजाय आंगनवाड़ी सेंटर में अपने बच्चों को भेजें, ताकि हम अपने बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दे सकें। और ये आपके सामने तैयार है, इसी तरह से बेंच लगे हुए होते हैं, बच्चे अपने आते हैं, खेलते हैं और पढ़ाई, खेल के साथ साथ ही पढ़ाई अपनी करते हैं।